हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेशन। आज है 24 अगस्त 2019 और आज हम डिस्कस करेंगे 24 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ आर्टिकल्स। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट के द्वारा डाउनटर्न को काउंटर करने के लिए, जो इकोनॉमी में मंदी की कंडीशन चल रही है उसको टैकल करने के लिए और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप उठाए गए हैं और प्राइवेट इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। ये अनाउंसमेंट किया गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा, और ये जो मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें कुछ मेजर्स हैं। पहला है कि FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट कंट्री में आता था उनमें इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट को बूस्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया था, सरचार्ज लगाया गया था, उसको अब स्क्रैप कर दिया गया है। ये जो सरचार्ज है ये फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे लगाया गया था, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इक्विटी शेयर के कारण फर्म पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा था, जिसके कारण एक तरह से FPI का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत कम हो गया था। तो इस सेंटिमेंट को बेटर करने के लिए और इन्वेस्टर्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये जो इंक्रीज सरचार्ज का बर्डन था इसको ख़त्म कर दिया गया है, और ये FPI पे सरचार्ज स्क्रैप कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अब से। और इसके साथ ही CSR वॉयलेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया था कि ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा, जिसके कारण से CSR में जो कंट्रीब्यूशन था वो काफ़ी चैलेंज बन गया था इंडस्ट्री के लिए भी और सरकार के लिए भी। तो CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जो पैसा कंपनियां देती हैं अपने आसपास की सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, इसमें अगर वॉयलेशन किया जाता था कंपनी के द्वारा तो ये क्रिमिनल ऑफेंस कंसीडर किया जाता था। अब इसको भी स्क्रैप कर दिया गया, यानी कि अब CSR में अगर वॉयलेशन होता है तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंक में 70,000 करोड़ पैसे, इतना 70,000 रुपये डालने की बात सरकार के द्वारा की गई थी, और अब ये एक शॉट में पूरे 70,000 करोड़ बैंकों में डाले जाएंगे, सो दैट बैंकों की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जा सके, लोन देने की कैपेसिटी इंक्रीज़ की जा सके। इस 70,000 करोड़ के इन्फ्यूज़न से ऐसा माना जा रहा है कि करीब लोन देने की जो क्षमता है बैंकों की ये 5,00,000 करोड़ तक होने वाली है, यानी कि जो लोन देने की प्रोसेस है वो बहुत स्पीडी और बहुत तेज होगी ऐसे और इस डिसीजन के बाद। और रिपो रेट जो RBI के द्वारा कम किए जा रहे हैं उनका सीधा सीधा फ़ायदा कस्टमर को पहुँचे, इसके लिए काफ़ी मेजोरिटी ऑफ बैंक्स ने अपने जो रेट है लेंडिंग रेट वो रिपो रेट से लिंक कर दिए हैं, जिसके कारण भी कुछ ग्रोथ के चांसेस हो सकते हैं। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी 20,000 करोड़ की एडिशनल लिक्विडिटी बढ़ाने की बात की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ऐसी स्कीम लॉन्च की थी जिससे कि ऐसा बोला गया था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो कार्स या जो व्हीकल्स परचेज किए जाते हैं वो अब से केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे और IC यानी इंटरनल कम्बस्टन इंजन के जितने भी व्हीकल्स हैं उनको परचेज नहीं किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था ऑटो सेक्टर में डिमांड कम होने का। तो अभी गवर्नमेंट के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा ये ऐसा अनाउंस किया गया कि जो गवर्नमेंट की परचेजेस की जाती है व्हीकल्स की, कार्स की, तो इसमें अब IC इंजन के व्हीकल दोबारा से परचेज किए जाएंगे और इसके कारण डिमांड बढ़ने की उम्मीद मानी जा रही है। और ऑटो सेक्टर में एक बड़ा जो ड्रॉबैक समझा जाता था जो सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस व्हीकल्स की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। पहले बजट से पहले ये जो रजिस्ट्रेशन फीस थी वो 600 रुपये हुआ करती थी और ये 600 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी व्हीकल की कर दी गई थी, जिसके कारण लोगों ने जो व्हीकल परचेजिंग की जो विलिंगनेस थी लोगों में वो काफ़ी कम हो गई थी, जिसके कारण डिमांड कम हो गई थी। तो ये भी एक बड़ा रीज़न था। तो इस बढ़े हुए चार्ज को भी हटा दिया गया है और अब से रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो जितनी 600 रुपये रहेगी वो उतनी ही रहेगी, यानी पहली जितनी फीस थी अलग अलग लोकेशंस में उतनी ही रहेगी, बढ़ी हुई फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये दो मेजर काम ऑटो सेक्टर को बूस्ट देने के लिए किया गया है। इसके अलावा PSUs के जो डिलेड पेमेंट है वो भी इमीडिएटली ट्रांसफ़र किए जाएंगे PSUs को। जो स्टार्टअप कंपनीज़ है, जो नई कंपनीज़ हैं उन पे एंजल टैक्स लगता था, जो भी एडिशनल
बर्डन इसके कारण पड़ता था नए नए स्टार्टअप को। स्टार्टअप ऑलरेडी छोटी कंपनियां होती हैं और ग्रो करने के लिए वो धीरे धीरे काम करती हैं, और अगर गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से एंजल टैक्स को स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए एक बड़ा हिंड्रेंस, एक बड़ा ऑब्स्टिकल माना जा रहा था, एक बड़ा चैलेंज बन गया था, तो इस चीज़ को भी देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा एंजल टैक्स विड्रॉ करने की बात की गई है। यहाँ पर एंजल टैक्स केवल उन्हीं स्टार्टअप पे विड्रॉ किया जाएगा जो कि रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंटरनल, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत अगर रजिस्टर्ड हैं उन्हीं स्टार्टअप को एंजल टैक्स से छूट दी गई है। बैंकर्स को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, उनकी डिसीजन बढ़ाने के लिए भी ये जो लेंडिंग बढ़ाई गई है, लेंडिंग कैपेसिटी बैंक की बढ़ी है, इससे ग्रोथ आने की उम्मीद है। जितने भी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात कर लें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो भी जीएसटी रिफंड पेंडिंग है, जो भी बकाया है, उनको एक महीने के अंदर अंदर क्लियर किया जाएगा। जो भी सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स के भी रिफंड पेंडिंग है उनको भी इमीडिएटली किया जाएगा, ऐसा बोला गया है वित्त मंत्री के द्वारा। और एमएसएमई एक्ट को अमेंड करके एक प्रॉपर डेफिनेशन लाने की बात की गई है वित्त मंत्री के द्वारा, सो दैट जो एक्सेस टैक्स का बर्डन है उसको कम किया जा सके और एक तरह से सर्टेनिटी आ सके कि कौन सी इंडस्ट्रीज एमएसएमई में आएंगी और कौन सी इंडस्ट्री नहीं आएंगी। तो सर्टेनिटी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक टैक्स पेयर को या बिजनेसमैन को सर्टेनिटी नहीं रहेगी कि उसको कितना टैक्स देना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके कारण सेंटीमेंट्स बहुत डाउन हो जाते हैं। इसके कारण प्रोडक्शन भी कम होता है और आगे मार्केट में कंज्यूमर की अनविलिंगनेस के कारण डिमांड भी कम होती है। और वित्त मंत्री ने ये भी अनाउंस किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी ऑर्डर दिए जाएंगे आगे से, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम से दिए जाएंगे। कोई भी ऑफिसर आर्बिट्ररी तरीके से किसी भी बिजनेसमैन या किसी भी टैक्स पेयर को हैरेस नहीं कर सकता और ये ऑर्डर के बेसिस पे ही होगा। ऑर्डर एक सेंट्रलाइज सिस्टम से ही जारी किए जाएंगे विद अ यूनिक कोड, और अगर पुराने वाले ऑर्डर जितने भी हैं उनको कैंसिल किया जाएगा और नए ऑर्डर जारी किए जाएंगे। जो नए ऑर्डर जारी नहीं होंगे वो ऑर्डर कैंसिल ही माने जाएंगे, यानी कि अब एक सेंट्रलाइज सिस्टम से ही काम होगा। ऑफिशियल की जो डिस्क्रिप्शन रहता था वो थोड़ा कम करने की कोशिश की गई है, स्टार्टअप को के प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश की गई है, क्रेडिट को बढ़ाने की कोशिश की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग प्रोजेक्ट में हाउसिंग लोन कंपनियों में एक्स्ट्रा 20,000 करोड़ जो डाला जाएगा उससे हाउसिंग प्रोजेक्ट और ज़्यादा बढ़ के सामने आएंगे ऐसा माना जा रहा है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मेन फोकस करके इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को किस तरह से आगे बढ़ाना है उसके लिए काम करे। KYC जो रूल्स हैं उनको भी इम्प्रूव करने की बात की गई है, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए थोड़ा इजी बनाए जाने की बात की गई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में कोई करता है तो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से ना गुजरना पड़े, एक सिंपल प्रोसेस से, एक सिंपल तरीके से KYC किया जाए, ऐसे काम किए जाएंगे, ऐसे कदम उठाए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक तरह से ये जो रिफॉर्म किए गए हैं, कुछ गवर्नमेंट के द्वारा जो कदम उठाए गए थे बजट में वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गए थे, इसीलिए उन कदमों को वापस लिया गया, जैसे कि एडिशनल टैक्स आया है और कुछ ऑटो सेक्टर से रिगार्डिंग जो डिसीजन लिए गए थे उनको वापस लिया गया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम किए गए, जो IC इंजन वाले व्हीकल्स परचेज करने को मना कर दिया गया था वो वापस लिए गए। तो मतलब कुछ सरकार के द्वारा कदम उठाए गए थे जो बहुत ज़्यादा स्वागत के काबिल नहीं थे, इंडस्ट्री ने जिनको वेलकम नहीं किया और उसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिमांड डाउन हो गई, तो उनको वापस किया गया। और आगे की डिमांड को बढ़ाने के लिए कुछ और कदम उठाए जाने हैं जो आगे अनाउंस किया जाएगा, ऐसा बोला गया वित्त मंत्री के द्वारा। अभी यहाँ पर जो FPI पे सरचार्ज कम किया है वो केवल FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए ही है, इसके अलावा एक 2 करोड़ से ज़्यादा इनकम अर्न करने वाले जो इंडिविजुअल हैं उन पे भी सरचार्ज इंक्रीज किया गया था बजट में और उनका सरचार्ज नहीं हटाया गया है। यानी कि इंडिया में अगर कोई पर्सन 2 करोड़ से ज़्यादा अर्न कर रहा है तो उसको एडिशनल सरचार्ज देना ही पड़ेगा, उनके लिए ये छूट नहीं दी गई है, ये केवल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए छूट दी गई है। तो ये सारे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से अनाउंस किए गए और इनके लिए काम किया गया, सो दैट थोड़ा सेंटीमेंट बेटर हो और जो ग्रोथ इकोनॉमी की है वो थोड़ा बूस्ट हो और अभी मंदी की कंडीशन से उभारने के लिए इकोनॉमी को ये काम किए गए हैं। अब एक नई बॉडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाएगी, ऐसा भी बोला गया है वित्त मंत्री के द्वारा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करेगी एक लॉन्ग टर्म के लिए, जो लॉन्ग टर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं और नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं,
25 साल 30 साल 50 साल और बैंकों की जो नॉर्मल लेंडिंग कैपेसिटी होती है वो 5 से 10 साल होती है। एवरेज माना जाता है कि बैंक किसी को लोन देता है तो वो 5 साल के लिए एवरेज माना जाता है, और अगर बैंक एक लंबे प्रोजेक्ट के लिए लोन दे दे 25 या 30 साल तो उससे बैंकों की दूसरे सेक्टर्स को लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लोन देने के लिए एक अलग संस्था होनी चाहिए, एक अलग बॉडी होनी चाहिए, ऐसी डिमांड की जा रही थी। और इसी डिमांड को देखते हुए एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा और जिसका नाम बहुत ही जल्दी बताया जाएगा, ऐसा बोला गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ताकि जो क्रेडिट एनहेंसमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के लिए और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जिनका नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है 20 से 25 साल, और वो एक वायबल तरीके से एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके और जो इकोनॉमी का बैकबोन है एक प्रॉपर वे में रेडी किया जा सके। तो ये सारे मेजर्स अनाउंस किए गए वित्त मंत्री के द्वारा। इसके अलावा सेंटर स्टेप्स इनटू कंट्रोल अनियन प्राइजेस। अब साउथ इंडियन स्टेट्स में स्पेशली महाराष्ट्र और कर्नाटका की अगर हम बात करें तो ये स्टेट्स रिसेंटली मॉनसून की एक्सेस रेनफॉल के कारण ऑलरेडी बाढ़ से जूझ रहे हैं, और इस बाढ़ के कारण यहाँ पर जो अनियन की फसल होती थी, जो प्याज बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता था, मेजॉरिटी ऑफ अनियन प्रोडक्शन इन स्टेट से किया जाता था, वो बहुत कम होने की उम्मीद है बिकॉज ऑफ फ्लडिंग एंड एक्सेस रेनफॉल। तो इस कारण से मार्केट में ऐसी कंडीशन बन रही है कि अगर सप्लाई कम होती है तो सप्लाई डिमांड के रूल के हिसाब से डिमांड बढ़ेगी और उसके कारण अनियन के रेट बढ़ने की फिक्र की जा रही है यहाँ पर। इसी की वजह से यूनियन गवर्नमेंट ने दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने भी एरियाज हैं, जितने भी राज्य हैं, उनकी पुलिस को एक तरह से अलर्ट किया है, ताकि अगर कुछ भी होल्डिंग, किसी तरह की होल्डिंग की जाती है, कुछ बिचौलियों के द्वारा अगर प्याज को होल्ड किया जाता है तो उनको रोका जाए और तुरंत वो होल्डर्स को पकड़ा जाए। होल्डिंग और प्रॉफिटियर्स जो होते हैं, जो नॉर्मली मार्केट में जानबूझकर एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं और इसके कारण मार्केट में शॉर्टेज होने के कारण प्याज के रेट बहुत बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से आम आदमी को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है थोड़ी क्वांटिटी के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा बर्डन आम आदमी पे पड़ता है उसको रोकने के लिए और प्याज के प्राइसेस को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो इसमें नॉर्मली जब भी किसी कॉमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद होती है तो सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पहला है कि जो होल्डिंग हो रही है उस प्रोसेस को रोकना, पुलिस की हेल्प से और अथॉरिटीज़ की हेल्प से होल्डर्स को पकड़ना, पहला ये कदम है। दूसरा, मदर डेयरी भी सरकार के की एक तरह से संस्था है तो मदर डेयरी को एक फिक्स प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही सेल करने के लिए बोला जाता है सरकार से। जैसे कि सफल शॉप जो मदर डेयरी के द्वारा मैनेज की जाती है, उनके द्वारा अब अनियन सरकार के द्वारा रेट के हिसाब से ही बेचे जाएंगे, सो दैट मार्केट में वो शॉर्टेज की कंडीशन ना क्रिएट हो और एक बहुत ज़्यादा रेट ना बढ़े, एक नॉर्मल रेट पे लोगों को मिल सके। दूसरा ये हो गया। तीसरा है कि जो डेली सप्लाई ऑफ अनियन होती है गवर्नमेंट के बफर स्टॉक से की जाएगी। अगर इनके शॉर्टेज होती है मार्केट में और सारे होल्डर्स को पकड़ने के बाद भी, या अगर होल्डर्स को नहीं पकड़ा है फिर भी अगर शॉर्टेज हो जाती है, तो उसके बाद गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक से अनियन को या किसी और कमोडिटी को मार्केट में भेजती है, सप्लाई करती है, सो दैट सप्लाई को एक लेवल पे मेंटेन किया जा सके। इसी कारण से गवर्नमेंट फार्मर से डायरेक्टली परचेज भी करती है सो दैट अपने यहाँ होल्ड कर सके, अपने यहाँ स्टोर कर सके, और टाइम जब आए अगर शॉर्टेज की कंडीशन देख रही है मार्केट में तो ऐसी कमोडिटीज़ को, चाहे वो वीट हो, राइस हो, या इस केस में अनियन है, तो इनको मार्केट में सही समय पर लाया जा सके सो दैट रेट मेंटेन रहे, बढ़े नहीं। और चौथा जो मीज़र है जो गवर्नमेंट के द्वारा नॉर्मली लिया जाता है, इट कैन डायरेक्ट नेफेड टू रिलीज स्टॉक फ्रॉम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इनटू मार्केट सो दैट एक रीजनेबल रेट बना रहे। नेफेड भी सरकार की एक संस्था है जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ऑपरेशन ग्रीन के तहत काम करता है। ऑपरेशन ग्रीन इसीलिए शुरू किया गया था और तीन कमोडिटी के लिए शुरू किया गया था सो दैट मार्केट में अगर इन तीन कमोडिटी की शॉर्टेज होती है तो उसको प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के थ्रू पूरा किया जा सके। अब नेफेड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेफेड का पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है कोऑपरेटिव मार्केटिंग का, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंडिया में होते हैं, यानी इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ होती हैं, उनकी कोऑपरेटिव के थ्रू मार्केटिंग की जाती है और उनकी एपेक्स संस्था है, सबसे ऊँची संस्था है नेफेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत काम करती है। इसकी स्थापना 1958 में 2 अक्टूबर के दिन की गई थी और हेड ऑफिस है इसका न्यू दिल्ली, और ऑल ओवर इंडिया
इसके ब्रांच ऑफिसेज भी हैं। इसका जो मेजर काम है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ट्रेड को बढ़ाना है, जो भी कमोडिटीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी और बेची जा सके, यानी कि ट्रेड बढ़ सके, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी इंडिया के हैं उनमें भी ट्रेड बढ़ सके। और नेफेड एज ए ऑर्गेनाइजेशन ये लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट करता है और मार्केटिंग करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मार्केट भी करना है इसका काम है, प्रोक्योर भी करना है इसका काम है। और प्रोक्योरमेंट क्यों किया जाता है, प्रोक्योरमेंट करके स्टोर किया जाता है सो दैट अगर सप्लाई कहीं भी कम होती है तो वापस उसको मार्केट में भेजा जा सके। और जैसे मैंने बताया था अभी नेफेड एक नोडल एजेंसी है टू इम्प्लीमेंट प्राइस स्टेबलाइजेशन मीजर अंडर ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन के तहत प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को ये देखता है और इसी के लिए नोडल एजेंसी नेफेड को बनाया गया। नेफेड FCI और स्टेट गवर्नमेंट ये फिजिकली प्रोक्योर करते हैं ऑयल सीड, पल्स और कोपरा, ये तीन कॉमोडिटी हैं ऑयल सीड, पल्स और कोपरा। ऑपरेशन ग्रीन के तहत नेफेड FCI और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर प्रोक्योर करते हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत, जो कि PM आशा स्कीम के तहत लाया गया था, ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। तो नेफेड का जो मेन इंपॉर्टेंट है, नेफेड प्रोक्योर भी करता है और स्टोर करके अगर कोई फ्लक्चुएशन मार्केट में होता है तो सप्लाई भी की जाती है इसके द्वारा। तो चार मेजर कदम है सरकार के द्वारा उठाए गए, पहले तो होल्डिंग को रोकना, दूसरा गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल करते हैं जैसे मदर डेयरी, उनसे एक प्रॉपर रेट में मार्केट में किसी कमोडिटी को सेल करना, तीसरा है गवर्नमेंट के खुद का जो बफर स्टॉक होता है उससे कमोडिटी सप्लाई करना इन केस ऑफ शॉर्टेज, और नेफेड के द्वारा भी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के थ्रू कमोडिटी सप्लाई करना अगर कोई शॉर्टेज होती है तो। यहाँ पर जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे पुलिस के द्वारा ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा ताकि शॉर्टेज की कंडीशन ना बन पाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कोयम्बटूर अंडर ए सिक्योरिटी ब्लैंकेट। अभी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ऐसी आई है कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में कुछ आतंकवादी घुस गए हैं लश्कर ए तोयबा के, और ये कुछ जो रिलीजियस श्राइन्स हैं, रिलीजियस लोकेशंस हैं केरला और तमिलनाडु में, यहाँ पर इन यहाँ के कुछ प्लेसेस को टारगेट करने के एक मंशा से घुसे हैं। तो इसी कारण से तमिलनाडु और कोयम्बटूर को स्पेशली हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। अभी हमने कल पढ़ा था कि राजस्थान में भी हाई अलर्ट कर दिया गया था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में कुछ सिटीज़ में टेररिस्ट घुस गए हैं ऐसी इनपुट्स थे इंटेलिजेंस के द्वारा, और अभी कोयम्बटूर में भी ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है। तो अब देखते हैं सिक्योरिटी जो भी सर्विसेज हैं वो अलर्ट हो गई हैं और कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड भी रेगुलर पेट्रोलिंग कर रहा है। फर्स्ट एवर वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस ऑन काइंडनेस हेल्ड। अब पहली बार वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस फॉर काइंडनेस दिल्ली में आयोजित की गई और इसका इनॉग्रेशन किया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। ये जो आयोजन किया गया है यह यूनेस्को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा साथ में मिलकर किया गया है और इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। इसका जो थीम था वसुधैव कुटुंबकम, गांधी फॉर द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेलिब्रेटिंग 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का क्या रेलिवेंस है आज के टाइम में, इस के बारे में लोगों को अवेयर कराने के लिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। एक बार फिर इसका नाम देख लेते हैं, वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस फॉर काइंडनेस, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। इसका इनॉग्रेशन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया, और इसका आयोजन किया गया है यूनेस्को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, वसुधैव कुटुंबकम, गांधी फॉर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेलिब्रेटिंग 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। प्रेसिडेंट के द्वारा हाईलाइट किया गया कि गांधी जी की रेलिवेंस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूथ को एक क्रिएटिव इफेक्टिव मेथड प्रोवाइड करना है टू इंगेज विद महात्मा गांधी वे, और UN के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको इस वे से, इस तरीके से अचीव करने का टारगेट रखा गया है। एक तरह से गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस का रास्ता दिखाया ह्यूमैनिटी को, नॉट जस्ट टू इंडियंस बट पूरे दुनिया को, उनके द्वारा एक
नॉन वायलेंस का रास्ता दिखाया गया और जो काइंडनेस का रास्ता दिखाया गया उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। आजकल क्या है, नॉर्मल थिंकिंग है कि बींग काइंड या काइंडनेस एक वीकनेस का साइन है और एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। ये बिल्कुल गलत है और काइंडनेस एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का साइन है और लोगों में काइंडनेस के प्रति जो है अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। इसके कारण से ये पहली बार कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई दिल्ली में, वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस फॉर काइंडनेस। अगली न्यूज़ है, पुलिस फेसियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ग्लिच, ऐसा सेंटर ने कोर्ट को बोला है। अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस के द्वारा फेस रिकॉग्निशन के लिए कुछ सॉफ्टवेयर परचेज किए गए और उस दौरान भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था। उस दौरान ऐसा बताया गया था आर्टिकल में कि ये वर्ल्ड ओवर जो सिस्टम चल रहा था फेसियल रिकॉग्निशन का, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम है। जो इसकी इफेक्टिवनेस मेज़र की गई थी वो 1-2% बताई गई थी। ये सिस्टम लंदन सिटी में भी इम्प्लीमेंट किया गया था बट इफेक्टिव नहीं हुआ, जिसके कारण डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब उन लोगों के द्वारा ये हटा दिया गया। और USA में भी कई सिटीज़ में ये अडॉप्ट किया गया था लेकिन इफेक्टिवनेस बहुत ही कम है। तो दिल्ली पुलिस ने इसके बावजूद इस सिस्टम को लिया और अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा ये जो सिस्टम शुरू किया गया इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो सामने बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। कुछ मामलों में ऐसा हुआ है कि इस सिस्टम ने जो बॉयज़ की फ़ोटो हैं वो गलत तरीके से मैच कर दी हैं गर्ल्स के साथ। मतलब ये जो सिस्टम है फेसियल रिकॉग्निशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है और करीब 1% से भी कम इफेक्टिवनेस इसकी दिल्ली पुलिस के द्वारा भी मेज़र की गई है। तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है वर्ल्ड ओवर और इंडिया में भी ऐसी ही बात देखने को मिली है। तो फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है इंडिया में भी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, सेंटर रैंक्स लास्ट इन नीति आयोग असेसमेंट ऑफ वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। नीति आयोग के द्वारा अभी रिसेंटली वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जिसका पूरा नाम है कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये रिलीज़ किया गया और नीति आयोग ने ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा किस तरह से वाटर के टॉपिक्स को, वाटर के सब्जेक्ट्स को मैनेज किया जा रहा है गवर्नमेंट्स के द्वारा, ये चीज़ बताने के लिए कुछ पैरामीटर्स के थ्रू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को रैंक किया है और इस रैंकिंग में न्यू दिल्ली जो लास्ट आया है। ये जो असेसमेंट किया जा रहा है ये 9 थीम्स के बेसिस पे किया गया है और एक्सेस किया गया है कि हाउ वेल स्टेट्स हैव डन ऑन क्राइटेरिया सच एज ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर रिस्टोरेशन। मतलब ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को रिस्टोर करने के लिए स्टेट के द्वारा क्या क्या काम किए गए, इम्प्लीमेंटिंग वाटर मेजर एंड मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट्स किस तरह से इम्प्लीमेंट किए गए, वाटर सेट डेवलपमेंट में क्या काम किया गया, पार्टिसिपेटरी इरीगेशन मैनेजमेंट में कैसे काम किए गए, ऑन फॉर्म वाटर यूज़ फार्म में वाटर यूज़ किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, और अर्बन एंड रूरल वाटर सप्लाई पॉलिसीज एंड गवर्नेंस। तो वाटर से रिलेटेड जो सप्लाई है, अर्बन एरिया की बात करें हम या रूरल एरिया की बात करें या वाटर सप्लाई किसी भी फील्ड में या एग्रीकल्चर की बात करें, उससे रिलेटेड पॉलिसी और गवर्नेंस की बात करें, तो ये सारी पैरामीटर्स को इंक्लूड किया गया था और उसके बाद ये जो कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकाला गया है। इन इंडेक्स को फिर 18 ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स में ब्रेक किया गया कि किस तरह स्टेट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कितना परसेंटेज इरीगेशन पोटेंशियल अचीव किया गया या रियलाइज़ किया गया। तो इस जो रैंकिंग में गुजरात ने टॉप किया है, 100 में से 75 मार्क्स गुजरात के आए हैं। तो इस पूरी रैंकिंग में रैंक वन है गुजरात की और ये लगातार दूसरे साल गुजरात ही रैंक वन आया है। पिछले साल भी रैंकिंग में गुजरात ही नंबर वन था और दिल्ली इस रैंकिंग में लास्ट आया है, 100 में से केवल 20 पॉइंट्स मिले हैं। अब दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल भी अभी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हाई है और दिल्ली की जो रैंकिंग वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में कम आई, इसका एक कारण है कि दिल्ली ने सारे डेटा जो रिक्वायर्ड थे इस रैंकिंग के लिए वो सारे डेटा दिए ही नहीं। मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस दिल्ली की सामने ही नहीं आई बिकॉज डेटा ही नहीं मिले दिल्ली की तरफ से। यूटी में केवल दिल्ली और पुडुचेरी ही इस रैंकिंग में इंक्लूड किए गए थे। दिल्ली ऑलरेडी बड़े बड़े चैलेंज वाटर से रिलेटेड फेस कर रहा है,
स्लम्स में और झुग्गी झोपड़ियाँ जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं बनी हुई हैं अलग अलग आइसोलेटेड एरिया में, वहाँ पर वाटर की सप्लाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के कारण जो अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो डायरेक्टली रिवर्स में डाल दिया जाता है बिना ट्रीटमेंट के, उसके कारण यमुना जो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट हो गई है। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली के लिए एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आई है और इसी कारण से 2015 में भी 20 लार्जेस्ट वाटर स्टेट सिटी में दिल्ली की सेकेंड रैंक थी। नीति आयोग ने इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंड किया है कि एक इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, वाटर रिसोर्सेज के रिलेटेड डेटा को एक इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर में ही लाना चाहिए, सो दैट एक इंस्टीट्यूशन बनाया जा सके और डेटा को एक सेंटर पे सारा डेटा इंक्लूड किया जा सके और जब भी कोई रिक्वायरमेंट हो पॉलिसी या गवर्नेंस के लिए डेटा कैन बी इजीली एक्सेसिबल, इजीली एक्सेस किया जा सके। तो ये जो इंडेक्स है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। इस इंडेक्स में जो रैंक वन आई है वो है गुजरात की, सेकेंड बार आई है लगातार, दूसरी बार रैंक वन आई है। निकाला जाता है ये नीति आयोग के द्वारा और इसमें दिल्ली का लास्ट स्पॉट है। अगली न्यूज़ है पैडी एक्रीज डिप्स इन पंजाब दिस सीज़न। इस सीज़न में ऐसा देखा गया है कि पंजाब में जो टोटल क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है तो उसमें पैडी ट्रेडिशनल टाइम से अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो पैडी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता था पंजाब के फार्मर्स के द्वारा, लेकिन अब पैडी का जो वॉल्यूम है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, इसका परसेंटेज कम हुआ है। पैडी में नॉन बासमती राइस जो बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करता है उसकी क्वांटिटी अब कम होती हुई नज़र आ रही है पंजाब में। इसके अलावा बासमती राइस पे किसान शिफ्ट कर रहे हैं और कॉटन भी एक बड़ी मात्रा में किसानों के द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा है बिकॉज़ एक अच्छा प्राइस, अच्छा रिटर्न मिल रहा है लोगों को या फार्मर्स को पंजाब के एरिया में। तो अभी जो नॉन बासमती राइस से शिफ्ट हो रहे हैं पंजाब के फार्मर टुवर्ड्स बासमती राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है और कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये एक शिफ्ट माना जा सकता है। इसका शिफ्ट का कारण एक वाटर क्राइसिस भी हो सकता है, वाटर की जो कमी होती है, नॉन बासमती राइस बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है, इसका कारण भी हो सकता है। और एक दूसरा मेन जो कारण है वो है अच्छा रिटर्न मिल रहा है, एक अच्छे पैसे मिलते हैं इनको किसानों को अगर वो बासमती राइस उगाएं या फिर कॉटन उगाएं। तो ये एक शिफ्ट आया है पंजाब की फार्मिंग में, ये बताया गया है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रिपल तलाक के बारे में। ट्रिपल तलाक का जो एक्ट इंप्लीमेंट किया गया ऑल ओवर कंट्री अगस्त महीने में इफ़ेक्टिव हो गया है। इसका पूरा नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इसके काफ़ी फीचर्स हमने देखे हैं इसमें, जो ट्रिपल तलाक अगर किसी मुस्लिम मैन ने प्रोनाउंस किया अपनी वाइफ को तीन बार तलाक कह के, तो इस पूरी प्रोसेस को एक क्रिमिनल एक्ट बताया गया है इस एक्ट में। और ऐसे केस में अगर कोई मैन अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा और फाइन का प्रोविज़न रखा गया है। इसके अलावा ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल तभी हो सकती है जब वाइफ मैजिस्ट्रेट को बोले, यानी कि वाइफ की सुनवाई मैजिस्ट्रेट के सामने हो और मैजिस्ट्रेट कन्विंस हो जाए कि वाइफ के द्वारा बेल के लिए रजामंदी दी गई है। इसको कंपाउंडेबल भी बनाया गया है सो दैट आपस में मिल बैठ के इसको सुलझाया जा सकता है, लेकिन ये भी मैजिस्ट्रेट ही डिसाइड करने वाला है। और कंपनसेशन मुस्लिम मैन को प्रोवाइड करना होगा वुमेन और उसके बच्चे के लिए। तो ये सारे प्रोविज़न को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी पेटिशन फाइल हुई हैं और इसमें पेटिशनर के द्वारा ऐसा बोला गया है कि ट्रिपल तलाक को एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाना और उसके थ्रू मुस्लिम मैन को 3 साल की सज़ा देना ये ठीक नहीं। दूसरा एक इसका बड़ा निगेटिव पॉइंट है या जिस पॉइंट के बेसिस पे इसको अपोज किया जा रहा है वो पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ट्रिपल तलाक के अटरेंस को, यानी कि अगर ट्रिपल तलाक तीन बार बोल के किसी मैन के द्वारा अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दिया जाता है तो ये प्रोसेस नल और वॉइड होगी, मतलब एक तरह से लीगली ये प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये प्रोसेस अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो इस प्रोसेस के बाद एक पर्सन को जेल में डालना ये भी ठीक नहीं माना जा सकता। तो ये दो मेजर क्रिटिसिज्म है या फिर प्रोटेस्ट का मेन रीज़न है, एक तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सिविल ऑफेंस और दूसरा ऑलरेडी जो प्रोसेस
नल एंड वॉइड है जो लीगली एग्जिस्ट नहीं करती, उसके बेसिस पे सजा कैसे हो सकती है। तो ये दो क्रिटिसिज्म माने जा रहे हैं इस बिल के। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर FATF ग्रुप ने रिकमेंड कर दिया है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालना, और FATF का एशिया पैसिफिक ग्रुप, इसकी मीट हुई कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया में, और उनके द्वारा ऐसा रिव्यू किया गया कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय में बहुत इफ़ेक्टिव कदम नहीं उठाए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, और एक तरह से ये नॉन कंप्लायंट एंड नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ सेफगार्ड्स हैं अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। तो इस कमिटी के द्वारा ऐसा डिसाइड किया गया, उन्होंने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ग्रुप कर दिया है। APG यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप, FATF जो संस्था है उसके 9 ग्रुप्स में से एक ग्रुप है। 9 अलग अलग रीजन को देखने के लिए FATF फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रुप्स बनाए हैं, रीजनल एफिलिएट्स बनाए हैं, उसमें से एक ग्रुप एशिया पैसिफिक ग्रुप है जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज से रिलेटेड मैटर्स को देखता है। इसकी मीट हुई कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में, और इसने एक तरह से 5 साल की जो म्यूचुअल इवेल्यूशन रिपोर्ट है उसको चेक किया, उसको रिव्यू किया, और ऐसा डिसाइड किया है कि पाकिस्तान को इन्हेंस एक्सपीडाइटेड फॉलोअप की लिस्ट में रखना है, और ब्लैक लिस्ट में रखा गया। इसके बाद क्या होना है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को टेररिस्ट से रिलेटेड जो भी कार्रवाई गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है पाकिस्तान में उसकी रिपोर्ट क्वार्टरली देनी होगी, और उसके बाद APG के द्वारा बेसिकली 3 रिव्यू किए जाते हैं। APG प्रोसेस इज वन ऑफ द 3 रिव्यू प्रोसेस दैट पाकिस्तान फेसेस इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एक रिव्यू ये हो गया, इसके अलावा सितंबर 5 को भी APG फिर से मीट करने वाली है, और वहाँ पर 15 महीने में किस तरह से पाकिस्तान ने FATF के जो प्रोविजंस थे उनको फॉलो किया है, और क्या कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के द्वारा टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग केसेस, और उस मीट के द्वारा इवोल्यूशन के बेसिस पे रिकमेंड किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या ब्लैक लिस्ट में डाला जाए या फिर ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकाल लिया जाए। और उस मीटिंग के बाद जो अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन मेकिंग मीटिंग होनी है वो होनी है पेरिस में 18-23 अक्टूबर के बीच। तो अभी इस APG की मीटिंग के बाद एक और मीटिंग होगी सितंबर 5 को, और उसके बाद अक्टूबर में पेरिस में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में। अभी जो ग्रे लिस्ट है ये कॉमन ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान का जो स्टेटस रखा गया वो है हाई रिस्क एंड नॉन कोऑपरेटिव ज्यूरिसडिक्शन के नाम से। तो ये स्टेटस है अभी FATF में पाकिस्तान का, हाई रिस्क एंड नॉन कोऑपरेटिव ज्यूरिसडिक्शन। और पेरिस की मीट जो अक्टूबर में होगी वो फाइनली डिसाइड करेगी कि किस तरह से पाकिस्तान को किस लिस्ट में डाला जाना चाहिए। यहाँ पर जो डाउनग्रेड है पाकिस्तान का ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही है, बिकॉज कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है चाइना। चाइना नॉर्मली किसी भी टाइम वीटो कर सकता है पाकिस्तान को बैक करने के लिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, और चाइना टर्की मलेशिया तीनों नॉर्मली ऐसा माना जा रहा है कि FATF में पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले हैं। इस कारण से ब्लैकलिस्ट अगर नहीं भी हुआ पाकिस्तान, लेकिन अभी APG की इस रिकमेंडेशन से जो कि ब्लैकलिस्ट में डालने को बोल रही है पाकिस्तान को, इस रिकमेंडेशन से कम ग्रे लिस्ट से तो नहीं निकल पाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की कंडीशन बहुत सुधरने वाली नहीं है। आगे देखते हैं। गो फॉर bilateral सोल्यूशन सेज UK। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ऐसा बोला है कि यूनाइटेड किंगडम भारत को सपोर्ट करता है, इंडिया और पाकिस्तान का जो भी कश्मीर का मुद्दा है वो bilaterally ही रिजॉल्व किया जाना चाहिए, और दोनों देशों को आपस में मिल बैठ के ही सॉल्व करना चाहिए। अभी एक दिन पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी ऐसी ही बात बोली थी, फ्रांस भी इंडिया को सपोर्ट करता है इस बारे में, और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी ऐसी ही बात की गई है। इनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया कि UK पहले भी सपोर्ट करता था इंडिया को bilaterally रिजॉल्व करे कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के साथ, और आज भी यही स्टैंड है यूनाइटेड किंगडम का, और USA के स्टैंड जो चेंज हुआ है उसको देख के UK का स्टैंड चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर UN के सिक्योरिटी काउंसिल में जो क्लोज डोर मीट हुई थी उसमें भी यूनाइटेड किंगडम उस पर्टिकुलर इवेंट को भी सपोर्ट नहीं करता है, और ऐसी क्लोज डोर मीटिंग ऐसी क्लोज डोर मीटिंग नहीं होनी चाहिए, और इसको
सॉल्व किया जाना चाहिए। तो एक तरह से यूनाइटेड किंगडम भी इंडिया के सपोर्ट में आ गया है। अब अमेजॉन फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अमेजॉन फॉरेस्ट में काफ़ी दिनों से आग लगी हुई है और ये जो फायर है ये बहुत बड़े लेवल पर पहुँच गई है। इस कारण से ब्राज़ील की जो लीडरशिप है उनको वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज से काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन उठाए जाने के लिए बोला गया है। ब्राज़ील की नई लीडरशिप यानी कि यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट हैं बोलसोनारो, उनके आने के बाद अमेज़न के प्रति उनका जो रवैया रहा है, उनका जो एटीट्यूड रहा है वो बहुत ही निगेटिव रहा है। अमेज़न फॉरेस्ट के रिस्टोरेशन के लिए इनके द्वारा कुछ पुख्ता कदम या स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए गए हैं और इनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिए गए हैं जिससे जो लोग इल्लीगल लॉगिंग करते हैं या जो पेड़ों को काटते हैं उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है और उन्होंने और बड़े लेवल पे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया। तो एक तरह से ये इकॉनमी और इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करके फॉरेस्ट इकोसिस्टम को इग्नोर किया जा रहा है इनके द्वारा और इनकी गवर्नमेंट के द्वारा। इस आग के कारण एक बड़े पार्ट जो फॉरेस्ट का है उसके नुकसान होने की आशंका है और इस कारण से जर्मनी और नॉर्वे ने जो एक अमेज़न फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए इनिशिएटिव उठाया था करीब $1.2 बिलियन का, उसको जर्मनी और नॉर्वे एंड करने की सोच रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ब्राज़ील की जो यूरोपियन कंट्रीज से ट्रेड डील साइन होने वाली थी और अदर साउथ अमेरिकन कंट्री से जो ट्रेड डील साइन होनी थी ये भी खतरे में पड़ने वाली है, यानी कि यूरोपियन कंट्री इस मुद्दे पे ब्राज़ील को ट्रेड डील में भी अपनी जो कंसर्न है वो बताने वाले हैं और ट्रेड डील भी रुक सकती है इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। अमेज़न फॉरेस्ट एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है केवल ब्राज़ील के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे प्लेनेट के लिए। एक बड़े लेवल पर ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, बड़ा कार्बन सिंक के रूप में माने जाते हैं। ये रेन फॉरेस्ट हैं और बहुत घने फॉरेस्ट हैं और इतने बड़े रीजन में जो कि वर्ल्ड के लिए एक तरह से लाइफलाइन का काम कर रहे हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। और अगर ऐसे फॉरेस्ट को डिग्रेड किया जाए तो ये पूरी दुनिया को इसका जो रिज़ल्ट है वो भुगतना पड़ सकता है। एनवायरमेंटल लॉ की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील में काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हैं ये लॉज रेगुलेशन, बट उतने ही फ्रिक्वेंटली इनको वायलेट भी किया जाता है और इन केस ऑफ वायलेंस इस गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाए गए हैं। फॉरेस्ट फायर कॉमन भी है ब्राज़ील में, नॉर्मली हर फॉरेस्ट में कॉमन होती है, लेकिन पिछले एक साल में अगर हम अमेज़न फॉरेस्ट की बात करें, ब्राज़ील के अमेज़न फॉरेस्ट की बात करें, तो ये फॉरेस्ट फायर बहुत ही बड़े लेवल पर बढ़ी है और ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा भी ये सपोर्ट किया जा रहा है सो दैट एग्रीकल्चर और कैटल्स के लिए फील्ड्स रेडी किया जा सके। तो अगर अमेज़न फॉरेस्ट इतने घने जंगल बर्बाद होते हैं, डिग्रेड होते हैं, तो ये वर्ल्ड के लिए एक बहुत कंसर्न का विषय है जिनको टैकल करने के लिए पूरे सारे देशों को साथ में मिलकर आना पड़ेगा और इस मुद्दे को सुलझाना पड़ेगा। चाइना ने अब एडिशनल $75 बिलियन के इम्पोर्ट पे बैन लगा दिया है जो कि यूएस से इंपोर्ट किया जाएगा। बैन लगा दिया है, ये नए टैरिफ लिस्ट में डाल दिया गया है $75 बिलियन के जो भी इंपोर्ट यूएसए से किए जाते हैं। इससे पहले यूएसए ने 250 बिलियन चाइनीज़ गुड्स पे टैरिफ बढ़ाए थे और उसके बाद 300 बिलियन के जो चाइनीज़ गुड हैं उस पे टैरिफ बढ़ाने की बात की गई थी। इसको देखते हुए चाइना ने 75 बिलियन यूएस के इंपोर्ट्स पे टैरिफ बढ़ा दिया। तो एक तरह से जो वॉर है ट्रेड की, टैरिफ बढ़ाने की, जो ट्रेड वॉर यूएस और चाइना के बीच चल रही है, बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके कारण प्रॉब्लम यह है कि चाइना और यूएस दोनों की इकॉनमी तो डाउन जा ही रही है, इसके साथ ही साथ वर्ल्ड की इकॉनमी भी डाउन जा रही है। उसके कारण से दूसरी कंट्रीज पे भी फर्क पड़ रहा है बड़े लेवल पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमने देखी पहले पेज पे, वित्त मंत्री के द्वारा कुछ स्टेप उठाए गए हैं ऑटो सेक्टर की डिमांड को बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या काम किए गए हैं। ये है हायर डेप्रिसिएशन ऑफ 30% अप फ्रॉम 15%। एक और स्टेप उठाया गया है, जो डेप्रिसिएशन 15% होता था व्हीकल्स में वो 30% मान लिया गया है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क पड़ेगा कि जो ओल्ड कार्स हैं उनको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करने की कोशिश की जाएगी और गवर्नमेंट के द्वारा जो परचेज हैं वो बढ़ाई जाएगी।
इसके अलावा जो व्हीकल्स 31 मार्च तक परचेज किए जाएंगे उनका एक तो डेप्रिसिएशन रेट बढ़ा दिया है, इसके कारण डिमांड नए व्हीकल्स की बढ़ेगी। दूसरा है हायर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जून 2020 तक नहीं किया जाएगा, यानी जून 2020 तक जो पुराना रजिस्ट्रेशन चार्जेज है जो 600-700 रुपये लगता था वही लगेगा, जो सरकार ने बढ़ाया था 5000 रुपये वो नहीं इफेक्टिव होगा। तो ऐसा बोला गया है बैन ऑन परचेज ऑफ न्यू व्हीकल लिफ्टेड फॉर ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नए व्हीकल्स खरीदेंगे, इसको जो बैन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा उसको हटा लिया गया है। सेंटर टू लुक इनटू अदर मेजर्स टू बूस्ट डिमांड इंक्लूडिंग स्क्रैप पॉलिसी। अब व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी पे डिसीजन नहीं लिया गया है, इस पर डिसीजन लिया जाएगा सरकार के द्वारा, ऐसा बोला गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। स्क्रैप पॉलिसी क्या होती है? स्क्रैप पॉलिसी होती है कि किस पॉलिसी के तहत कितने टाइम ड्यूरेशन के तहत ओल्ड व्हीकल को डिस्कार्ड किया जाएगा और वो चलाए नहीं जा सकेंगे। इससे क्या होगा कि ओल्ड व्हीकल जितना जल्दी स्क्रैप होंगे नई व्हीकल की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और नई व्हीकल की सेल उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, इससे इकॉनमी बढ़ने के चांसेस यह पॉसिबिलिटी मानी जा सकती है। तो इसी कारण इंडस्ट्री ऑटो इंडस्ट्री ऐसा चाह रही है कि स्क्रैप पॉलिसी एक सरकार के द्वारा लाई जाए जिस पे डिसीजन लिया जा रहा है, अभी लिया जाना है सरकार के द्वारा, ये अभी प्रोसेस में है। और दूसरा जो जीएसटी रेट कट के लिए डिमांड की थी ऑटो इंडस्ट्री ने, उस पर भी डिसीजन लिया जाना है क्योंकि जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही ये डिसीजन लिया जाएगा और इसकी मीटिंग अगले महीने होनी है। जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करता है? जीएसटी काउंसिल को फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं जीएसटी काउंसिल के। तो ये ऑटो सेक्टर के डिमांड को बूस्ट करने के लिए कार्रवाई की गई गवर्नमेंट के द्वारा। पीएसबी जो पब्लिक सेक्टर बैंक से उनमें 70,000 करोड़ रुपए डाला जाएगा, जिससे करीब 5,00,000 करोड़ का लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, ऐसा माना जा रहा है। और इस बूस्ट के बाद जो नए घर के लिए नए ऑटो व्हीकल्स के लिए जो ईएमआईज बनती हैं उसके चीप होने की संभावना है, बिकॉज अगर 70,000 करोड़ रुपए बैंक में आएगा तो लोन चीप होंगे, लोन के चीप होने के कारण जो इंटरेस्ट रेट हैं रिपो रेट के कम होने के कारण इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे और इससे जो ईएमआईज हैं वो भी सस्ती होने की उम्मीद है, वो भी कम होने की उम्मीद है, जिससे नॉर्मल जो जनता है उसको थोड़ा रिलैक्स मिल सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए एक नया इंस्टीट्यूशन शुरू किया जाएगा, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया जाएगा, ऐसा बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बड़े लंबे टाइम के प्रोजेक्ट है 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल उन प्रोजेक्ट्स को एक अच्छे सिस्टम से फंडिंग किया जा सके, उनको फाइनेंस दिया जा सके और वायबल बनाया जा सके और अर्थव्यवस्था का जो बैकबोन माने जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर उसको एक स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा एंजल टैक्स की भी बात की गई है, एंजल टैक्स हटा लिया गया है उन स्टार्टअप से जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ रजिस्टर्ड होंगे। एंजल टैक्स क्या होता है? एंजल टैक्स वो टैक्स है जो कि स्टार्टअप फर्म की शेयर की वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे लगाया जाता है, यानी कि स्टार्टअप फर्म का नॉर्मल मार्केट एक फेयर मार्केट प्राइस होता है उनके शेयर्स का, उस प्राइस से ज़्यादा अगर उनके पास पैसा रेस किया जाता है उनके द्वारा तो उस पे टैक्स लगाया जाने को एंजल टैक्स कहते हैं। तो ये टैक्स अब हटा लिया गया है ताकि जो स्टार्टअप हैं उनको थोड़ा बूस्ट मिल सके और स्टार्टअप में पैसा लगाने वाले जो इन्वेस्टर हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ सके। तो ये सारे मेजर्स लिए गए हैं रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।